بسم الله الرحمن الرحيم. हुआ था तो यहाँ सब कुछ मिल जाए तो जवाल है, चंद साल गुजरने के बाद जवाल है। तो अब अल्लाह कह रहा, मैं तुम्हें एक इससे आला चीज़ बताऊँ, उनब्बिउकुम बखैर मिन ज़ालिकुम, क्या है, लिल्लज़ीन तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अलअन्हारु खालिदीन फ़ीहा وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد। کہ اگر مجھ سے دوستی لگا لو نا, تقوی کیا ہے, اللہ سے دوستی لگانا, اور تقوی کوئی ایسی آسمانی مخلوق نہیں ہے یا ایسی کوئی مشکل صفت نہیں ہے جو پیدا, عام سے عام مسلمان تقوی والا ہو سکتا, آگے آئیں گی میں وہ بتا رہا ہوں, بلکہ پہلے وہ بتا دیتا ہوں कौन है तकवे वाले। अल्लाह जो ये कहते हैं, अल्लाह हम तेरे ऊपर ईमान लाए, या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमें जहन्नम से नजात अता फरमा। और तकवे वाले कौन होते हैं, जो सब्र करते हैं, जो सच बोलते हैं, जो इबादत करते हैं, जो खर्च करते हैं, और जो तहज्जुद पढ़ते हैं। लो ये चार पाँच बातें हैं, ये कर लो तो आप तकवे वाले हो। तो इस पर मिलने वाला क्या है, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अलअन्हार। इंसान जब से पैदा हुआ है और जब से परवान चढ़ रहा है और नस्ल दर नस्ल आइडियल लाइफ की तलाश में, 18वीं सदी में जब साइंस ने एकदम आंखें खोली और इंसान ने कायनाती इलम दरियाफ्त किए, तो एक शोर उठा कि अब खुदा कोई नहीं है, अल्लाह कोई नहीं है, ये सारा सिस्टमेटिक सिस्टम है, तो हमने मादी ताकतों का रास्ता देख लिया है, हमें किसी खुदाई जन्नत की ज़रूरत नहीं, हम दुनिया को जन्नत बना देंगे। ये 18वीं सदी में बहुत इनकार, अल्लाह के इनकार की बहुत हवा चली। फिर इंसानी इल्म खुद यहाँ तक पहुँचा कि नहीं, अल्लाह के इनकार के बगैर कायनात का कोई न सिर है न पैर है, न तौजीह हो सकती है, ना कोई इसके किसी सवाल का जवाब हो सकता है, लिहाजा एक खालिक ज़रूर है जिसने इस कायनात को पैदा किया है। तो इंसान, अच्छा एक बात पहले, मैं जो मेडिकल साइंस कहती है कि इंसान अपने ज़हन में कभी भी नामुमकिन की तमन्ना नहीं कर सकता। आपको किसी अनपढ़ से अनपढ़ एक छोटी सी मिसाल, कभी दो ते दो पांच हो जान, किसी को ये तमन्ना करते देखा, कभी दो ते दो पांच हो जान, एक छोटी सी मिसाल आम फहम दी है, इसको फैला दो, इंसान का कंप्यूटर नामुमकिन को ना सोचता है ना तमन्ना करता है, अंदर वो चीज़ जाती नहीं, नामुमकिन की तमन्ना नहीं पैदा होती। फिर ये ज़िंदगी क्यों चाहता है, ये क्यों चाहता है मौत ना आए, मौत ना आए, मौत ना आए, ये क्यों चाहता है, जबकि नामुमकिन की तमन्ना अंदर नहीं पैदा होती। ये मुस्तकिल सेहत क्यों मांगता है, लंबी उम्र क्यों मांगता है, हर वक्त की जवानी क्यों मांगता है, हर वक्त की खुशी क्यों मांगता है, जबकि ये सारी चीज़ें नामुमकिन है। इस जहान में हर वक्त कोई खुश नहीं रह सकता, हर वक्त कोई सेहतमंद नहीं रह सकता, मुस्तकिल कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। फिर ये सारी ख्वाहिशें जो उभरती हैं, ये भी बतलाती हैं कि कोई जहान ऐसा छुपा हुआ है जहाँ ज़िंदगी है, मौत नहीं, आइडियल लाइफ है और कोई दुख दुखड़ा नहीं। ये खुद
یعنی میں آپ کو سائنس کے لحاظ سے بات بتا رہا ہوں، اس کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ولاکن لیطمئن قلبی، کہ دل کے اطمینان کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے عقلی اور سائنسی کہ انسان ناممکن نہیں سوچتا، تو پھر کیوں سوچتا ہے جوان رہوں، خوشیاں دیکھوں، غم نہ دیکھوں، موت نہ دیکھوں، عالی شان گھر ہو، عالی شان سواری ہو، یہ کیوں دیکھتا ہے؟ کہ ایک جہان موجود ہے جہاں یہ عالی شان زندگی موجود ہے، وہ کہاں ہے؟ عند ربہم، وہ اللہ کے پاس. جنت کہاں ہے؟ ساتویں آسمان اس کی بیس ہے، ساتواں آسمان، اور ساتویں آسمان سے بنتی ہے اور یوں اوپر جاتی ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ بلڈنگ اوپر جاتے 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 عرش سے مل گئی، وہ بیچ میں سپیسز ہیں، یہ ایک جنت ہے، پھر ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. عرش کے ساتھ جا کر جو جنت مل گئی ہے کہ اللہ کا عرش اس جنت کی چھت بن گیا ہے، وہ ہے جنت الفردوس. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا اولئک هم الوارثون یرثون الفردوس. تو فردوس اعلیٰ جنت ہے، اللہ نے ساری جنتوں کو بنایا. کن کن کن، مطلب اللہ کو کن، اللہ کو بیٹھا کن کن نہیں آکھی جاندا، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے باقی ساری جنت بنی میرے رب کے امر کے ساتھ، اور جنت الفردوس کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ. تو یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی ہے، جس دن، اس سے لے کر آج تک اس کو ایک دفعہ بھی محبت سے نہیں دیکھا، اور جنت الفردوس کو جس دن بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک روزانہ دن میں پانچ دفعہ رحمت کی نظر ڈالتا، اور جنت الفردوس کو ہاتھوں سے بنایا ہے تو وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ ہاتھوں سے بنایا ہے وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے جس دن اس میں جانا ہے، آنے والا زمانہ بھی موجود ہے، گزرا ہوا زمانہ کوئی 25 ارب سال ہے، 30 ارب سال ہے اس کائنات کو بنے ہوئے، تو اگر اسی عدد کو لے لیں تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ جنت الفردوس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کا میک اپ کرتا ہے. پہلے سے 5 دفعہ جس چیز کا میک اپ ہو وہ کیا چیز بنے گی؟ اچھا یہ تو دنیا ہے نا، چھوٹی چیز ہے، اس کا تو زیادہ میک اپ ہو نہیں. اس مسجد کا ہم میک اپ شروع کریں تو یہ چھوٹا سا حال ہے، سال، 2 سال، 3 سال میں ہم دنیا کے تارے توڑ کے لے آئیں تو بھی چند سال کے بعد کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی، بھی اب کہاں کیا چیز رکھیں. میں اس پہ حیران ہوتا ہوں، ایک لڑکی دلہن بن رہی ہے نا، تو وہ پارلر پہ اسے 1 گھنٹہ 2 3 4 5 6 7 8 لگا دو، اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ منہ ایڈا سارا، تو اب اس کے اوپر پورا ڈبہ تو نہیں ڈال دیں گے پاؤڈر کا، یا ساری سرخی اس کے منہ پہ مل دیں گے، تو وہ تو بھوتنی بن جائے گی بجائے دلہن بن. تو ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، ایک گھر ہے، اس کی ڈیزائننگ ہے، اس کا میک اپ ہے، کسی کو چند گھنٹے لگیں گے، کسی کو چند سال لگیں گے، اور پھر ختم، کہ بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن میں جب بھی سوچتا ہوں میں گم ہو جاتا ہوں، حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے جنت الفردوس کی ہر ہر چیز، تم نوجوان بیٹھو حوری کہہ دیتا ہوں، جنت کی حور کو اللہ نے پیدا کیا امر کن، باقی جنتیں، اور جنت الفردوس کی حور کو پیدا کیا اپنے، بولو، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. تو کن اور ہاتھ سے کا کتنا فرق ہے. پھر جس دن پیدا کیا تھا اس دن سے لے کر آج کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 30 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ اللہ اسے خوبصورت کر دیتا. تو کیا کرتا ہے؟ اور اس کے اندر
मेकअप को कबूल करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी ताकत है कि वो रोज़ाना पहले से 5 गुना ज़्यादा खूबसूरत हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है। उसकी एक चारपाई ले लो, एक कुर्सी ले लो, एक पत्ता ले लो, एक तिनका ले लो, एक मोर ले लो, एक कबूतर ले लो, एक पानी का दरिया ले लो, शराब का जाम ले लो, सुराही ले लो, बिस्तर ले लो, पर्दा ले लो, पलंग ले लो, घोड़ा ले लो, कोई चीज़ जन्नत की ले लो, हिरन ले लो, मोर ले लो, कोई चीज़, हर 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 चीज़ को अल्लाह पहले से 5 गुना ज़्यादा हसीन। आज 5 दफ़ा मुकम्मल हो गया, कल आएगा फिर 5 दफ़ा पहले से ज़्यादा हसीन। 30 अरब साल से जिस चीज़ का मेकअप हो रहा हो और आइंदा ज़मानों में भी उसका होना ही है, और मेकअप करने वाला भी अल्लाह हो तो वो क्या चीज़ बनेगी, क्या चीज़ हो। और दुनिया को जन्नत बना भी लो तो मौत का क्या करो। एक आदमी ने बहुत आलीशान बनाया अपना गेट घर, तो मैं उसके साथ जा रहा था तो मुझसे कहने लगा, मौलाना साहब उत्ते ही वेखो असी तो इतने रुपये ला छड़ लें, तुसी वेंदे ही नहीं पे हो, देखो मैंने क्या बनाया। तो मुझसे कहने लगा, मौलाना साहब उत्ता वेखो तो मैं कितने पैसे लाए तो की बना देता है। तो मेरे बोलने से ना पहले खुद ही बोल पे, पर मुसीबत है मर जावना है छड़ जावना साथ ही, पर मुसीबत है मर जावना है छड़ जावना। मैं कहा भाई हूँ दस, तू आप ही दस देता है, मैं वेख की करना, तो क्या इलाज करें। नौशेरवान के पोते खसरो परवेज ने महल बनाया 11,000 पिलर पर, 11,000 सुतूनों पर महल बनाया, और 10 साल नहीं रह सका उसमें, और वो महल जेरो जबर हो गया, कैसर ने शिकस्त दी और महल को आग लगा दी। अब्दुर्रहमान अन नासिर अमवी बादशाह ने स्पेन में महल बनाया 4,316 पिलर और बुर्ज, और 25 साल सिर्फ उसमें रहा और जाके उसी कब्र में गिर गया जिस कब्र में गरीब जाके गिरता है। आज उस महल के खंडर में देख कर आया हूँ कुर्तुबा में, क्या वो शान शौकत। 300 हिजरी में बनना शुरू हुआ और 1,000 खच्चर सामान ढोने के लिए और 10,000 मजदूर मिस्त्री राज उस पर काम करने के लिए, चूँकि उस मैनुअल काम था सारा, मशीनी काम तो था नहीं, और पूरी दुनिया से सोना चांदी हीरे लाए गए और मुख्तलिफ जगह पे पारे के तालाब बनाए गए सूरज की गर्दिश को सामने रख कर, कि पारा चूँकि टिकता नहीं, यूँ यूँ करता है, यूँ यूँ करता है, तो सूरज की शुआएँ उस पर पड़ती और जब वो पारा डांस करता तो शुआ भी डांस करते ही ऊपर जाके महल पे पड़ती, तो पूरा महल यूँ रक्स करता हुआ नज़र आता था, यूँ सारा महल झूमता नज़र आता था। इतना उस अल्लाह के नेक बंदे ने तबाह किया पैसा कौम का और टोटल 25 साल। अब 350 में वो मर गया और उसकी सवाने में लिखा है 50 साल मैंने हुकूमत की और हर दुश्मन को जेर किया, लेकिन मैंने अपनी खुशी के दिन गिने 50 साल में तो सिर्फ 14 दिन थे, सिर्फ 14 दिन। तो अब इसका क्या इलाज है कि आपने सब कुछ बना लिया, मौत को भगाओ। जब मौत है तो अल्लाह कहता है ये आइडियल होम नहीं बन सकता, लिहाजा या मुझसे दोस्ती कर ले, तकवा अख्तियार कर ले, फिर तो देख मैं तेरे लिए जन्नत बना के बैठा हूँ। 7वें आसमान से चलती है और ये फिर ये फिर ये फिर ये दर्जात हैं, 100 दर्जात तो सिर्फ जन्नतुल फिरदौस के हैं और बाकी पता नहीं क्या चीज़। अच्छा 7वें आसमान पे वो, ये उसकी 7वां आसमान उसकी बेस है, और फिर 7वें आसमान से बाहर निकल गई, जैसे हम वो लोहा डाल के और आगे शेड बना देते हैं,
नीचे कोई टेक नहीं होती लेकिन लोहे के सरिये डाल के शड बना देते हैं। जन्नत को अल्लाह ताला ने सातवें आसमान से यूं बाहर निकाला है, कितना बाहर निकाला है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर उसको ऊपर उठाया है और अपने अर्श को उसकी छत बनाया है। जन्नतुल फिरदौस के लिए अल्लाह का अर्श छत है इस मस्जिद की छत की तरह, और बाकी जन्नतों के लिए अल्लाह का अर्श छत है आसमान की तरह, आसमान की तरह। तो उसमें एक तिनका लकड़ी या घास, वहाँ का तिनका भी सोने चांदी से बना हुआ है, यहाँ के दरख्त लकड़ी के। एक कहने लगा सोने चांदी से फल कैसे आएगा, मैंने कहा लकड़ तो फल के में आ जाता है, ये कोई है अकल में आने वाली बात कि लकड़ी से फल निकले। लेकिन चूंकि हम हर वक्त देखते रहते हैं तो वो हमारा जहन उसे कबूल कर चुका है, वरना कोई अकल की बात है कि लकड़ी में से आम निकल आता है और लकड़ में से अंगूर निकल आता है, छोटी सी बेल में से इतना बड़ा तरबूज निकल आता है, ये क्या चक्कर है, ज़मीन पर पड़े पड़े इतना हो जाता है। वो कहते हैं कोई फ़लसफ़ी जा रहा था तो उसने देखा इतना बड़ा तरबूज ज़मीन पे पड़ा हुआ और आम लगे हुए दरख्त पर, तो कहने लगा एक ही गल हुई, छोटे छोटे उत्ते ला देते हैं तो वड्डे नु हेठा पाता है। तो अब अभी इसी सोच में था तो एक काम टूट के उसकी टंड पे लगा, कहने लगा समझ आ गई जे मेरे उत्ते हिंदवाना डांदा तो मेरा की हाल है, मेरे ऊपर ये तरबूज गिरता तो मेरा क्या हाल होता, मुझे समझ में आ गया। तो अल्लाह ने अदना तरीन चीज़ जो लगाई है जन्नत में, सोना और चांदी है, ज़ुमरुद और याकूत है, हीरा और जौहर है। और मैंने मलका बरतानिया के महल में देखा, उसके ताज में, उनके महल में अजायब घर बना हुआ, तो उसके उनके ताज में लगा हुआ था कोहिनूर। लेकिन अब उसकी वो शान शौकत नहीं रही, चूँकि काट के ताज में लगाया और फिर तीन टुकड़े करके आगे एक पट्टी में रखा हुआ था। ये पूरा जब हीरा था तो देवगिरी जनूबी हिंद की एक रियासत थी, उसे अलाउद्दीन खिलजी ने फतह किया। तो जब माल गनीमत के लिए ख़जाने का दरवाज़ा खोला गया तो उसमें ये हीरा पड़ा हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के मुंह से बेसाख्ता निकला कोहिनूर, ये तो नूर का पहाड़ है, तो उससे उस हीरे का नाम ही कोहिनूर पड़ गया। तो फिर जब अंग्रेज़ों ने फतह किया हिंदुस्तान को, तो फिर मलका बरतानिया के लिए उसे जहाज़ के ज़रिए से वहाँ लंदन पहुँचा दिया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था, हो सकता है अब उससे बड़े हों, लेकिन जन्नत के किसी भी लिबास में, ताज में, गिलास में, सुराही में, मेज़ पर, कुर्सी पर, बिस्तर पर, मसहरी पर, पलंग पर, दरवाजे पर, खिड़की पर जो मोती हीरे जड़े हुए होंगे, उसमें सबसे छोटा मोती या हीरा या नीलम या जमुर्रद या पुखराज, जो भी तुम नाम ले लो, जो आज दुनिया में कीमती पत्थर पाए जाते हैं, उसको लाकर यहाँ टेबल पर रख दो, वो इतना सारा हो तो मेरे रब की कसम यहाँ से आसमान तक रोशनी फैल जाएगी और खुशबू फैल जाएगी, खुशबू फैल जाएगी। तो अल्लाह ताला कह रहा है तुम मुझसे सुलह तो करो, मुझसे यारी लगाओ, तो मैंने आइडियल होम तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। एक नौजवान कहने लगा अल्लाह हूरों का लालच क्यों देता है, मैंने कहा जिना से रोकने के लिए, क्योंकि लोग शादी करके भी जिना नहीं छोड़ते हैं, और अल्लाह मुआशरे को पाक दामन देखना चाहता है, जिस मुआशरे में जिना फैल जाता है वो मुआशरा बर्बाद हो जाता है। तो अल्लाह चाहता है कि हर मर्द औरत पाक दामन ज़िंदगी गुजारे, इसलिए ने निकाह का रास्ता रखा और फिर मर्द की शहवत को रोकने के लिए वादा किया, तो यहाँ सब्र कर, हलाल काम कर, तो आजा मेरे पास, मैंने तेरे लिए तेरी इस ख्वाहिश का सामान तैयार करके रखा हुआ है। कि यहाँ का मादा मिट्टी है, वहाँ का मादा मुश्क अंबर है, वहाँ की घास ज़ाफ़रान की है, यहाँ ज़ाफ़रान इतना सा मिलता है और लाखों रुपए का किलो मिलता है, और वहाँ पूरी मैदान में जो घास है वो ज़ाफ़रानी है, और घर की एक ईंट मोती की है, एक ईंट ज़ुमर्रद की है, एक याकूत की है, एक ज़ुमर्रद की है,
एक सोने की है, एक चांदी की है, बीच में मुश्क का गारा है और ज़ाफ़रान की घास है और अल्लाह का अर्श उसकी छत बनाया गया है। और वो अंदर बैठो तो बाहर नज़र आता है, बाहर बैठो तो अंदर नज़र आता है। मैंने जो एक दफ़ा जन्नत का महल देखा ख्वाब में, तो ये उसकी मैंने सिफत जो पड़ी थी वो मैंने आँखों से देखी कि मैं उसके अंदर चल रहा था, मुझे बाहर भी नज़र आ रहा था और ऊपर भी नज़र आ रहा था और दाएं बाएं भी नज़र आ रहा था, लेकिन मैं एक गैलरी में चल रहा था और उसका जो फ़र्श था मुझे लगता था हर फर्श की टाइल के नीचे सूरज निकला हुआ है, इस तरह उसमें से रोशनियाँ निकल रही थी, रोशनियाँ निकल रही थी। मैं हूर को बयान करता हूँ जो इब्नुल कय्यिम ने लिखा है, लेकिन जो मैंने देखी है वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं उसको अब भी देख रहा हूँ। मेरे रब की कसम, मैं कैसे बताऊँ कि वो क्या हुस्न, कैसे बताऊँ? यकीन मानो मैं कितना जन्नत को बोलता हूँ और मैं जन्नत के हूरों को बोलता हूँ जो लिखा हुआ है, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे दिखाया वो मेरे पास ना लफ्ज़ है। उसकी मुस्कुराहट हो अगर वो दुनिया में होती तो मैं तो वैसे मरी फौती हो जाता। इसलिए मेरे नबी का फरमान है कि लौला अन अल्लाह कदा ल अहले जन्नत अल्लाह यमूतु लमातु मिन हुस्नहा व जमालहा। अल्लाह ने जन्नत की लड़की को ऐसा हुस्न व जमाल दिया है, अगर मौत मरना गई होती तो उसको देख के आंखें बर्दाश्त ना करती, कलेजे फट जाते, मर जाते। तो यहाँ की औरतों के लिए भी बिशारत है कि ईमान वाली नेक साले पाक दामन औरत जन्नत की इस हूर से 70,000 गुना ज़्यादा खूबसूरत होगी। 70,000 गुना का मतलब होता है लामहदूद। एक दफ़ा हज़रत उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, निसाउद्दुनिया अफजल अम निसाउल्जन्ना, दुनिया की औरतें अफजल हैं या जन्नत की औरतें? आपने फरमाया बल निसाउद्दुनिया। कहा उम्मे सलमा, दुनिया की औरत? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो कैसे, यानी हम तो मिट्टी से बनी हैं और गंदगियों में भरी हैं और वो तो मुश्क अंबर ज़ाफ़रान काफूर से बनी हैं, पाक पाकीज़ा हैं। तो आपने फरमाया उम्मे सलमा बिसलातेहिन्न वसियामेहिन्न वइबादतेहिन्न लिल्लाह अज़्ज़ वजल। उम्मे सलमा, ये इन दुनिया की औरत नमाज पढ़ती है, रोज़ा रखती है, अल्लाह की बंदगी करती है, इस वजह से अल्लाह अलबसल्लाहु वुजूहहुन्ना नूर, अल्लाह उनके चेहरों पे अपना नूर डालेगा। व अजसादहुन्ना अलहरीर, और उनके जिस्म को रेशमी लिबास से सजाएगा। व अमशातहुन्ना ज़हब, और उनकी कंघियाँ सोने की बनाएगा। व मजामिरहुन्ना अलुव, ये मैं नहीं दुखाता, ये जो ऊद है अलुव पढ़ो, ऐसा मैं बेचारा माठा ऊद है, वो तो जन्नत का ऊद होगा, मजामिर। और कोई देना कोई चीज़ पकड़ने के लिए, ये टिश्यू पेपर दे दो। इसको कहते हैं मिजमार। मिजमार का उर्दू में लफ्ज़ धुनी देने की चीज़ है, इसमें मजामिर जमा है मिजमार के, इस तरह उनके सामने होंगे और उसमें ऊद जल रहा होगा और उसकी खुशबू फैल रही होगी। ये दुनिया की ऊद है, सारी मस्जिद में खुशबू आती कि नहीं आती? हम मट्ठी सी चीज़ है, तो वो क्या चीज़ होगी? वो खुशबू एक बहुत बड़ी यानी फ्रेश करने वाली एक नेमत अल्लाह ने बनाई है। दिमाग की ग़िज़ा है खुशबू, आँखों की ग़िज़ा है सब्ज़ा, और दिमाग की ग़िज़ा है खुशबू। अल्लाह ताला ने उसको खुशबुओं से भर दिया है। अर्रफ़हा लहुम का एक तर्जमा है कि जन्नत को अल्लाह ताला उनके लिए खुशबूदार बना रहा है। अर्रफ़, खुशबूदार बनाना,
ایک اور ترجمہ بھی ہے لیکن ابھی اس کی مناسبت سے مجھے یاد آیا کہ عرفہا لہم، کہ آ جاؤ ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کے، پھر ایسی جنت دوں گا جس میں خوشبوئیں خوشبو ہوگی، اور ایسی خوشبو ہوگی کہ یہ ادھر تو لگاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، وہ تمہیں ہمیشہ مہکائے رکھے گی اور تمہیں ہمیشہ تر و تازہ رکھے گی، خوش و خرم رکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم میرے پاس آ جاؤ، تو تم جس آئیڈیل ہوم کو ڈھونڈتے ہو وہ میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تجری من تحتہا الانہار، پانی یہ انہار 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 دریا کو کہتے ہیں، کہ وہ دریا ہی دریا ہیں اصل میں، یہ دریا ایک وہ ایک کنایا ہے، یہ ہے اس کے لیے خوبصورتی کے لیے کہ پانی سے حسن آتا ہے۔ لوگ سردیوں میں گرمیوں میں مری جاتے ہیں، ناران جاتے ہیں، لورالائی نہیں جاتے، فورٹ منرو نہیں جاتے، وہ بھی ٹھنڈا ہے لیکن وہ اتنا ویران ہے کہ اس پہ سبزے نام کی شائی کوئی نہیں، اور کیوں نہیں ہے کہ پانی کوئی نہیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے کالے پہاڑ ہیں، مری ناران کاغان میں پہاڑ سرسبز ہیں کیونکہ وہاں پانی بہت زیادہ ہے۔ تو انہار 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 یہ اشارہ ہے خوبصورتی کی طرف، اور انہار دریا سے حدیث ایک یاد آ گئی، وصف الجنہ فی وصف الجنہ، یہ ایک مسقطی عالم کی لکھی ہوئی کتاب تھی، مجھے اچانک یاد آ گئی کہ وہ دریا میں ان کے بحری جہاز چلیں گے، ایک ایک جہاز اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں حقیر ہوگی، دنیا پوری 24,000 کلومیٹر کی دنیا اس جہاز کے سامنے حقیر ہوگی۔ تو جب وہ اس جہاز پہ چڑھیں گے سیر کرنے کے لیے، تو وہاں ان کے لیے الگ بیویاں ان جہازوں میں ہوں گی اور ان کو مچھلیاں گھیر لیں گی چاروں طرف سے، تو ان کو سلام کر کے کہیں گی اللہ کے دوست مجھے کھاؤ گے، وہ کہے گا کھاؤں گا، تو وہ پوچھے گی مچھلی کباب کھاؤ گے سالن کھاؤ گے، تو وہ کہے گا اتنے تو آؤ اندر ہی گلنا کیتی جن، تو پھر وہ چھلانگ لگا کے اوپر آ جائے گی، تو موت تو ہے نہیں، تو وہ کہے گا کباب کھلاؤ، تو وہ یوں کرے گی تو ایک کندھے سے کباب نکل کے سامنے آنا شروع ہو جائے، کہے گا سالن دے، تو یوں کرے گی۔ تو میں یہ بنگلہ دیش میں حدیث بیان کرتا ہوں، بہت مزہ آتا ہے کیونکہ بنگالی بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کی غذا مچھلی ہے نا۔ ایک دفعہ پہلوانوں کو اکٹھا کیا ہم نے، زندگی میں پہلی دفعہ میں نے پہلوان اتنے دیکھے، اور پہلی دفعہ ان سے میں نے بات کرنی، میں پریشان، یا اللہ میں ان سے کیا بات کروں، سارے انج کر دوں، اڈی اڈی کنی، اڈے اڈے سر، تو کن کسی کا این، کسی کا این، کسی کا این، تو این کر کے پے ہوئے، یا اللہ میں انہیں بلائی نو کی گل کروں، کھوپڑیاں کتوں گل جاؤں، کبھی زندگی میں پہلوانوں سے بات نہیں کی۔ تو بڑا پریشان، بڑا پریشان، ظہر کی نماز کے بعد بیان تھا، مونی روڈ وہ پہلوانوں کا کھڑا ہوتا تھا۔ خیر نماز ظہر کی ہو رہی تھی، تو نماز کے دوران اللہ نے نا میری رہبری فرمائی، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ تو بیان شروع ہوا تو وہ ان کے بیٹھنے کا انداز ایسا جیسے کوئی اکھاڑے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لتاں لمیاں کیتی ہوئی ہیں، تو منہ اتنا کیتا ہوا، میں تو انہوں کے سامنے چڑا جہا بیٹھو ایسا۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی، یہاں سے میں نے بات شروع کی، دیکھو بھائی اصل زندگی ہے جنت اور دنیا ہے عرض، اور جنت میں جانے کا سب سے زیادہ مزہ پہلوانوں کو آئے گا۔ وہ سارے ذرا این ہو گئے کہ پہلے این ہو گئے، پہلوانوں کو بڑا مزہ آئے گا جنت میں جانے کا، اس لیے کہ جنت کا پہلا کھیل جو اللہ ہمیں دکھانے والا ہے نا، پہلی انٹرٹینمنٹ جو جنت کی ہوگی سب سے پہلی، وہ مچھلی اور بیل کی کشتی ہوگی۔ اب ہمیں تو کشتی آتی نہیں، تو ہمیں تو نہیں پتہ لگے گا بھائی مچھلی نے کیا داؤ لگایا، بیل نے کیا داؤ لگایا،
तुम सारे पहलवान हो, तुम्हें पता है दाव क्या होता है। जब बैल दाव लगाएगा तुम उस नारे मारोगे, जब मछली दाव लगाएगी फिर तुम नारे मारोगे, और तुम्हें वो मछली और बैल की कुश्ती देखने का जो मज़ा आएगा वो हमें तो आएगा नहीं। यहाँ से बात चली, वो थोड़े थोड़े उनकी आंखें खुली। तो अल्लाह ताला ने एक अजब घर बनाया है और हमें ज़ौक ही नहीं, क्योंकि जन्नत के तस्कर ही कोई नहीं। और ज़िंदगी गुजर गई है सफ़रों में, जितना अरब में जज्बा उभरते देखा ना जन्नत का, वो अजमी तो ठंडे बर्फ खा के बैठे होंगे। एक दफ़ा मैं थोड़ा फर्क करूँ, बस बस बस, मैं था यहाँ, एक अरब जमात आई हुई थी, वो मैं गया उनको मिलने, वो तालीम करा रहे थे। उसमें एक बद्दू वो यूं करके ना तालीम में सोया हुआ था यहाँ करके, तो उन्होंने मुझे कहा आप थोड़ी बात कर लें। तो मैंने बात शुरू कर दी, वो सोया रहा। मुझे ख्याल आया इस बाबे ने उठावा कि मैं, तो थोड़ी देर के बाद मैंने जन्नत शुरू की ना, तो वो पहले यूं ऐसे सोया हुआ था बिल्कुल। जब जन्नत शुरू हुई तो उसने मुझे यूं देखा, यूं एक आंख से देखा एक आंख, और काफ़ी देर ऐसे देखता रहा, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, वो फिर एकदम जंप लगाया। वो मैंने आयना खोली ना कि आयना क्या चीज़ है, तो फिर जंप लगा के नाचना शुरू हो गया, हुर 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 हुर। तो मेरा रब कहता है दोस्ती लगा ले, घर तैयार है, यहाँ सोने चांदी का घर भी छोड़ के ही तो जाओगे ना, और वहाँ वो घर बनाया है जिसे छोड़ोगे नहीं, हमेशा रहोगे।